सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वडोदरा शहर में भी ऑक्सीजन कंजप्शन लाइव डेस्क बोर्ड का आज लॉन्चिंग करते हुए वडोदरा के लोगों को अब ऑक्सीजन के जत्थे के बारे में हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वडोदरा शहर में भी अब ऑक्सीजन का जत्था के लिए लाइव डेस्क बोर्ड का निर्माण किया गया है। लोगों तक ऑक्सीजन की सही जानकारी पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन स्टॉक कंजप्शन लाइव डेस्क बोर्ड का आज लॉन्चिंग करते हुए विशेष प्रकार की जानकारी दी गई थी। ऑक्सीजन के जत्थे के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचे उस बारे में सुप्रीम कोर्ट की सूचना के बाद आज वडोदरा शहर के बदामड़ी बाग स्थित सीसीसी यानी कि सिटी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर ऑक्सीजन स्टॉक कंजम्पशन लाइव डैशबोर्ड का लॉन्चिंग किया गया। ऑक्सीजन के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, जिस हिसाब से अब हर एक जिला में उसका अमल करने के लिए राज्य सरकार ने सूचना दी थी। ऑक्सीजन के वितरण के बारे में केंद्र सरकार द्वारा कई राज्यों के साथ किए गए अन्याय का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसमें जो राज्यों को ऑक्सीजन का जत्था कम मिला हो उसके स्थान पर ज्यादा जत्था देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किए थे। उतना ही नहीं, ऑक्सीजन के मुद्दे डायरेक्शन भी दिया गया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन में स्पष्ट बताया गया था कि अस्पताल को दिए जाते वैसे ऑक्सीजन के जत्थे की जानकारी ऑक्सीजन कंट्रोल रूम में देनी होगी और उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी और डिस्प्ले भी करनी होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर के डांडिया बाजार स्थित सीसीसी पर आज ये ऑक्सीजन लाइव कंजम्पशन डेस्क बोर्ड का लॉन्चिंग करते हुए ओएसडी डॉक्टर विनोद राव, वडोदरा जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल, मेयर के रोकड़िया, म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप सहित पदाधिकारी हाजिर रहते हुए इसकी विशेष जानकारी दी गई थी। जे रीते कोरोना दर्दियों समग्र शहर की अंदर आज 9760 जेटली संख्या में है अने एमां पण जारे वेंटिलेटर बेड पर 1138 जे आईसीयू है विधाउट वेंटिलेटर एमा 1456 अने सादा ऑक्सिजन पर 1347 जेटला दर्दियों आज कोरोना हॉस्पिटलों में एडमिट है, त्यारे ऑक्सिजन एपण एक खूब मोटो रोल भजवे छे। अने आजे ऑक्सिजन मैनेजमेंट करवाना हेतु थी अने एनी ट्रांसपरन्सी रहे ए हेतु थी आजे डैशबोर्डनू अहीं शुरुआत करवामां आवी छे। अने वडोदरा शहेरना सिटी एंड कंट्रोल कमांड सेंटर खाते जे आप डिस्प्ले जोई रह्या छो ते मुजब कई हॉस्पिटल में केटला बेड अवेलेबल छे, केटला ऑक्सिजन बेड छे, केटला वेंटिलेटर बेड छे, एनी साथे एमां थनार ऑक्सिजननी खपत એ પણ આપણને ખબર પડે છે આના માધ્યમથી। એના સિવાય હોસ્પિટલ કેટલો ઓક્સિજન પોતે વાપરી રહી છે એ ડેટા પણ અમારી પાસે ઓનલાઈન આવી જાય છે। એના સિવાય ટોટલ કેટલો શહેરમાં કન્ઝમ્પશન થઈ રહ્યો છે, કેટલો પુરવઠો છે, આ તમામ માહિતી અહીં અમને પ્રાપ્ત થાય છે, જેના માધ્યમથી જ્યારે ઓક્સિજન ક્રાઇસિસ પણ જો કદાચ ઊભી થાય તો કઈ હોસ્પિટલમાં કેટલો ઓક્સિજન બાકીનો રહ્યો છે અને તેનાથી અવેલેબિલિટી પૂરતા કરી શકાય છે કે નહીં, આ તમામ પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે આ ડેશબોર્ડ અહીંયા તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને પબ્લિક ડોમેનમાં પણ આગામી દિવસમાં મૂકવામાં આવશે, ત્યારે આના માધ્યમથી ઓક્સિજન મેનેજમેન્ટ શહેરમાં સારું થાય અને કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈપણ દર્દી ઓક્સિજનના અભાવે ન મરે એ આની પાછળનો તંત્રને શુભાશય છે। માન્ય રાજ્ય સરકારશ્રીની સૂચના અનુસાર ઓક્સિજનનું ઇફેક્ટિવ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે ઓનલાઈન વ્યવસ્થા ગોઠવામાં આવે આ પ્રકારની સૂચનાના સંદર્ભે આ કામગીરી કરવામાં આવેલ છે। માન્ય સુપ્રીમ કોર્ટે પણ પોતાના જજમેન્ટમાં આ સંદર્ભ ટાંક્યું છે અને એના આધારે પણ સરકારશ્રીએ સૂચના આપેલ છે। આ જો ડેશબોર્ડ છે અત્યારે ઇન્ટરનલ કન્ઝપ્શન માટે છે અને ઇન્ટરનલ અસેસમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ તમામના માટે આ ડેશબોર્ડ મૂકવામાં આવી રહ્યું છે। આમાં કઈ જગ્યા કેટલું કન્ઝપ્શન થઈ રહ્યું છે એ બધું જ જાણીને અને ઇફેક્ટિવ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવા માટે પગલાઓ લેવામાં આવશે। અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટેના એક વોર રૂમ એ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટર સાથે શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। આપ જોઈ શકો જે પ્રમાણે 3 બાર ડાયાગ્રામ આવ્યા છે, 112 ટન વડોદરામાં આજે આઈસીયુ વિથ વેન્ટિલેટરમાં ઉપયોગ થતા હોય છે અને 28 ટન જેટલા આઈસીયુ વિધાઉટ વેન્ટિલેટરમાં થાય છે, એટલે આ બંને મળીને 140 ટનના ઉપયોગ જે થાય છે એમાં કોઈ ઘટાડો નથી। ઘટાડો જે છે એ ઓક્સિજન બેડમાં થયું છે અને ઓક્સિજન બેડમાં ફક્ત 5 લિટર પ્રતિ મિનિટના ઓક્સિજનના ઉપલબ્ધિની જરૂર છે, એટલે ઓક્સિજનના પરિસ્થિતિ સેન્સિટિવ રહેવાની છે, સંવેદનશીલ વિષય રહેવાના છે હજુ મહિના દોઢ મહિના સુધી।
लेने ध्यान राखी एना रियल टाइम मॉनिटरिंग माटे आ वार रूम शुरू कर्या छे। अहींथी एक एक हॉस्पिटल ना एक एक कैटेगरी ऑफ बेड में केटला ऑक्सिजन ना अत्यारे कंसम्पशन थाय छे एना मॉनिटरिंग थशे। जे बेडनी उपलब्धि बेड केटला भरेला ये पोर्टल में जे एंट्री थई छे एने ऑक्सिजन ना कंसम्पशन साथे टैलिंग थशे अने कंई पण मिसमैच होय तो ये खबर पड़े अने हॉस्पिटल ने एना माटे अमे पूछपरछ करी शकीए छे। ये ज रीते उपरथी सप्लाय पण समयसर आवे ये पण सुनिश्चित आ डैशबोर्ड उपरथी थशे अने वडोदरामां जे प्रमाणे सफिशियंट ऑक्सिजन माटे एफर्ट थया ये ज रीते एफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन माटे पण खूब असरकारक कामगीरी थई। एफिशियंट डिस्ट्रीब्यूशन ना दिशामां आ खूब महत्वना रोल प्ले करशे।